घर का रखवाली करवाएंगे। फिर ओके वो लोग डॉगी भी गया, जो डॉग बेच रहा था वो बोला कि 6 महीने बाद ये इतना भयानक हो जाएगा कि हाँ ये किसी के भी सामने भौंक देगा। अब अच्छा वो लोग उस डॉग को लेके आए। हाँ अब हम लोग डॉग को लेके आते तो पहले हम लोग उसका नाम रखते हैं, ओके तो सब कोई अलग अलग नाम सोच रहा था। अच्छा तो बेटा ने उसका नाम रखा अटीला। तो अच्छा सबने फैसला कर लिया कि उसका नाम अटीला रखाएगा। फिर 6 महीने बाद वो बड़ा हो गया। उसके हाँ बाद जैसा डॉग बेचने वाले ने बोला था ठीक उसका उल्टा हुआ। वो बिल्कुल किसी के भी सामने नहीं भौंकता था, वो फ्रेंडली था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, एक दिन चोर विंडो से अंदर आ गया और कीमती चीजें गहने ये सब चुरा के बाहर ले गया। उस चोर अच्छा का नाम रंगीला था। अच्छा अटीला ने उसे देख लिया और उस ओके अटीला उसे अपने दोस्त मांगने लगा मानने लगा। उसके बाद वो उसके जैसे ही चोर बाहर निकला वो अटीला भी उसके पीछे जाने लगा। उसके बाद घर में जब सुबह सब कोई उठे तो बोले अरे मेरा कीमती चीज सब चोरी हो गया है। और तीसरा बेटा बाहर आके बोलता है कि ये देखो डॉग भी चोरी हो गया है। मदर ने कहा था कि डॉग को भी बांध के रखो वरना चोर इसे भी उठा के ले जाएगा। अब वाह एक दिन बेटा गया था बाजार। उसे वो डॉगी मिल गया। हाँ उसने पहचान लिया कि अटीला है। उसके ठीक आगे में रंगा था। तो वो बेटा उस पे चिल्लाता है तो चोर तो खड़ा नहीं रहेगा, वो तो भाग जाएगा, इसलिए वो दौड़ गया। अटीला अच्छा भी उसके पीछे दौड़ा, उसके पीछे बेटा भी दौड़ा। अब अटीला डॉग तो हम लोग से ज्यादा तेज दौड़ता है तो वो उसके सामने आके खड़ा हो गया। अच्छा चोर जो रंगीला था वो गिर गया और उसके हाथ से बैग छूट गया। और वो जितना भी कीमती सामान था वो सड़क पे बिखेर गया। अब बेटा पहचान लिया कि ये मेरा घर का सामान है। अच्छा उसके बाद जो मदर थी वो अटीला को तो कुछ और समझती थी। अब वो कहती है कि ये अटीला हमारा हीरो है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। हाँ वो अटीला तो रंगीला को अपना फ्रेंड मान रहा था। बस इसी स्टोरी में यही था। वाह ये तो बहुत अच्छा स्टोरी था, मुझे भी नहीं पता था, अभी सुना मैंने, थैंक यू। तो वेलकम टीचर। ये स्टोरी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली, क्या लेसन मिला, क्या हम लोग को क्या करना चाहिए? कभी भी कभी हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, किसी को गुड। भी कम नहीं समझना। स्टोरी से लेसन हाँ होना चाहिए, और हिम्मत नहीं हारना कभी चाहिए। कभी भी किसी के सामने हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसका यस मजाक हाँ, किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। सही, वाह बहुत अच्छा। अभी और क्वेश्चन किसी के साथ आंसर बुरा बर्ताव भी नहीं करना चाहिए। यस वेरी गुड। तो अभी पहला क्वेश्चन आंसर में क्या था, पहला क्वेश्चन हाउ डिड द पपी हाउ लुक डिड लाइक द पपी पपी लुक लुक लाइक लाइक, हाउ उसमें कैसा दिखता डिड था? द पपी लुक लाइक ओके द क्या, पपी तो हैड अ आंसर क्या स्क्वायर लिखे? द पपी द हैड अ स्क्वायर पपी द पपी हैड स्क्वायर इसका क्या हेड मतलब हुआ हिंदी में? पपी कैसा दिखता था, कैसा दिखता था पपी? एक पपी हाँ उसका रेड आइस था, उसका पग नोज था, जिसका अच्छा उसका चोंच सीव हेड था, और पपी का हेड स्क्वायर हेड था। ओके, ठीक है, लिखिए, लिखवाइए ट्विंकल, ठीक है, लिखवाइए और एक्सप्लेन भी करिए, ठीक है। और जो आप लिखवा यस रहे मैम। हैं तो बेटर है कि स्क्रीन दिखा के लिखाइए, तो सो दैट कि वो लोग को स्पेलिंग का कंफ्यूजन ना हो। यस मैम, पहले ओके एक बार हाँ बोल दे रहे, उसके बाद स्क्रीन पे उसे दिखा के मैम हाँ ठीक है, ओके व्हाट्सएप पे भेजिए, वो बाद में भेज देंगे पीडीएफ। हाँ ओके टीचर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था?
Which name What was he finally named? Next question है, which name आपको दिख रहा है? टीचर मेरे पास बुक है। Yes ma'am। ओके जिनके पास है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। Second question। टीचर कैमरा में दिख रही है ma'am? सभी को दिख रहा है? No ma'am। Yes teacher। No teacher। नो टीचर तभी म्यूट करिए नो टीचर टीचर जिसके पास बुक नहीं है उसको बाहर से खरीदना पड़ेगा आप लोग को बुक स्कूल प्रोवाइड करता है या खुद लेना पड़ता है टीचर स्कूल प्राइवेट क्लास तो नहीं पढ़ता कोई एक जन बोलिए क्या बोल रहे हो टीचर टीचर स्कूल प्रोवाइड करते हैं स्कूल में जमा करेंगे तो सेवन क्लास का बुक मिलेगा स्कूल करेंगे तब तक आप को हम यहाँ पे बता दे रहे हैं और हम क्वेश्चंस का भी पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे जो नहीं लिख पाएंगे वो बाद में लिख लेंगे ठीक है यस टीचर ठीक है अभी हम डिक्टेट कर रहे हैं जो लिख पा रहे हैं चलिए लिख लीजिए